बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। आज के एपिसोड की शुरुआत में आपने देखा केवी, शिवाशीष और शीशम तीनों वहां पर जिम एरिया में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और साथ ही वो इस दौरान बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस पर टॉन्ट मारते हुए किचन एरिया में दीपक कहते हैं, यार अपने आप को हाई स्टैंडर्ड का दिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना जरूरी है, क्या उन्हें पता नहीं है कि वो किस शो में आए हैं और बिग बॉस में इंग्लिश का यूज नहीं करना है, जब वो हिंदी बोल सकते हैं तो जरूरी है इंग्लिश में बोलना। तो इस पर शिवाशीष दीपक से कहते हैं, इंग्लिश का यूज जानवर करते हैं, तो इस पर दीपक कहते हैं हाँ जरूर। ये बात सुनकर शीशम को गुस्सा आ जाता है और इस पर दीपक और शीशम के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में घर के कई सदस्यों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और इसी दौरान उन लोगों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, जैसे करणवीर और सुरभि की फाइट, सुरभि और शीशम के बीच फाइट, और इन सब के बीच का ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि झगड़े में झगड़ा होना मतलब झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाना। इसके बाद आपने देखा कि कैदी और पुलिस वाले टास्क का दूसरा पार्ट आता है, जिसमें जो सदस्य पहले पुलिस बने थे वो कैदी बनते हैं और जो सदस्य कैदी बने थे वो पुलिस बनते हैं। इस दौरान भी घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सुरभि इस दौरान सृष्टि को चोट पहुंचा देती है उनके बाल खींच कर, जिससे वो चोटिल हो जाती है और इस बात का घर के कई सदस्य विरोध करते हैं, जिससे कई सदस्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सुरभि के अलावा और भी कई सदस्य इस दौरान अग्रसर खेल दिखाते हैं और कई सदस्यों को चोट लग जाती है और इससे घर के कई सदस्यों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जैसे केवी और सुरभि के बीच में झगड़ा, केवी और रोमिल, शिवाशीष और दीपक के बीच, दीपक और सौरभ, दीपक और दीपिका, और ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि केवी तो ये भी कह देते हैं कि जिस तरीके का जंगलीपन इस घर में हो रहा है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे और वो इस तरह के जंगलीपन गेम के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, वो इस गेम को नहीं खेल रहे हैं, जिसे खेलना है वो खेले। इसके बाद आपने देखा कि घर के सभी सदस्य टास्क के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, तो इस दौरान दीपक बताते हैं कि कैप्टनसी टास्क के दौरान मैंने और सौरभ ने देखा था कि शिवाशीष ने रिंग से हाथ हटाकर दूसरा हाथ इस्तेमाल किया था और इसके बाद ये सौरभ मना कर रहा कि उसने नहीं देखा, ये तो गलत है यार, एक नंबर का झूठा आदमी है साला, फेक है ये साला, और इससे सौरभ को गुस्सा आ जाता है और इस दौरान हमें सौरभ का अब तक का सबसे अग्रेसिव अवतार देखने को मिलता है। वो इस दौरान चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं और यहाँ तक इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि अपने कपड़े तक फाड़ लेते हैं और घर का कोई भी सदस्य उनको कंट्रोल कर पाने में असमर्थ नजर आता है। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस हाउस में सभी कंटेस्टेंट की 23वें दिन की हाइलाइट्स। और दोस्तों अगर आप बिग बॉस 12 की हर एपिसोड की हाइलाइट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 की हर लेटेस्ट अपडेट और हर एपिसोड की हाइलाइट्स सबसे पहले यही मिलेगी।